लखनऊ पहुंची बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर तृप्ति शाक्य से हमारे संवाददाता संदीप खेर ने खास बातचीत की। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्लेबैक सिंगर तृप्ति शाक्य। आपको याद होगा कभी राम बनके कभी श्याम बनके इनका फेमस गाना था जो लोगों को तब भी बहुत पसंद था और आज भी बहुत पसंद है। हमारे साथ मौजूद हैं तृप्ति जी, लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है लखनऊ में जब आप आती हैं? नवाबों का शहर है, बहुत ही खूबसूरत है, आप क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, लखनऊ जैसे कि अपनी तहजीब के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ आकर तो मुझे बिल्कुल अपने घर जैसा लगता है क्योंकि मेरा निवास प्रयागराज है। भले ही मैं मुंबई रहती हूँ लेकिन मेरा अपना जो अपनापन जो जुड़ाव है वो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर सभी शहरों से है। लगातार आपने काफी अच्छे अच्छे गाने दिए हैं इस इंडस्ट्री को, हम लोगों को सुनते हैं हम लोग, अब ऐसा कौन सा गाना आने वाला है जो हम लोगों के बीच में होगा जिसको हम लोग सुन सकेंगे? अभी तो फिलहाल लगातार मेरे एक के बाद एक सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं। जब से यूट्यूब पर पूरा म्यूजिक का प्लेटफॉर्म बन चुका है उसके बाद से हर महीने लगातार कम से कम 6 से 8 गीत मेरे रिलीज होते हैं, टी सीरीज और मेरे खुद के अपने यूट्यूब चैनल पर तृप्ति शाक्य ऑफिशियल। इसके अलावा जितनी भी म्यूजिक कंपनीज हैं सब अपना अपना गाना रिलीज करती हैं यूट्यूब पर, तो इस तरह से हर महीने 8-10 गाने रिलीज होते हैं। और अभी जो मैंने प्लान कर रखे हैं, मैंने बेटी के ऊपर एक सोहर बधाई गीत गाया है क्योंकि बेटों के पैदा होने पर लोग बहुत खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बेटी जब जन्म लेती है तो बहुत मायूसी मैंने देखी है लोगों के घरों में। तो मुझे लगता है कि बेटियां तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कि लड़के हैं, तो मैंने बेटियों के लिए एक सोहर गाया है, बहुत जल्द वो रिलीज होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट हैं और अभी तो मैं लखनऊ में 25 तारीख तक हूँ क्योंकि हमारी शूटिंग चल रही है। दूरदर्शन एक बहुत अच्छा सिंगिंग रियलिटी शो लेकर आ रहा है, डीडी लखनऊ पर प्रसारित शुरू हो गया है, तो उसमें मैं जज की भूमिका में हूँ। तो बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ और सौभाग्य से आज इस इवेंट में आने का मौका मिला। हमारे साथ तृप्ति शाक्य जी मौजूद है, उन्होंने बेटियों के ऊपर एक खूबसूरत सा सोहर लिखा है। उनका कहना यह है कि लड़कों के लिए तो बहुत कुछ लिखा जाता है पर बेटियों के लिए कुछ नहीं। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।